हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिंकू सुपारी में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम बात करेंगे YTA स्टूडियो के बिग अपडेट के बारे में, जो बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स को पता भी होगा और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको नहीं भी पता होगा। तो चलिए, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल टिंकू सुपारी को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों तक ज़्यादा शेयर करना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूं। दोस्तों, पहले यूट्यूब पे ऐसा था कि जैसे कि आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर यदि आपको अगर देखना होता था तो वो आपको बीटा वर्जन में, खास करके वॉच टाइम अगर आपको देखना था तो वो बीटा वर्जन में जाकर डेस्कटॉप मोड पे क्रोम में आपको खोल के देखना पड़ता था, तब आपको पता लगता था कि मेरा वीडियो का रियल वॉच टाइम क्या है, लॉन्ग वीडियो का वॉच टाइम क्या है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है, अब YTA स्टूडियो ने अब इसे लॉन्च कर दिया। YTA स्टूडियो एप्लीकेशन में एक नया फीचर डाल दिया मोनिटाइज का, वहाँ पर आप जाकर आप देख सकते हैं कि मोनिटाइज का ऑप्शन वहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपका लॉन्ग वीडियो पर कितना वॉच टाइम आ रहा है वो भी वहाँ पर कैलकुलेट होगा, ओनली फॉर लॉन्ग वीडियो का वॉच टाइम वहाँ पर कैलकुलेट होगा, ताकि आपको पता चले कि मेरा चैनल कब मोनिटाइज होगा। और वहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए भी दिया गया, अगर आपका अगर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पे एनेबल नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपका चैनल मोनिटाइज के लिए रेडी हो जाए और उसे आप अगला प्रोसेस कर सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, YTA स्टूडियो का बहुत बड़ा अपडेट मैंने आज बता दिया, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। अगर जिन भाइयों को अगर अपडेट नहीं हो पाया है वो लोग क्या करें, YTA स्टूडियो को अपडेट कर लें, जल्द से जल्द ये फीचर आपको मिल जाएगा। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।